ये देख लीजिए, इन द गिवन डायग्राम एसी इज अ डायमीटर। यार ये बात याद रखनी है, सर्कल में हमेशा जब भी डायमीटर की बात हो रही है याद रखिए, तब तो ना हमेशा कोई ना कोई ऐसा एक एंगल बनेगा जिसमें यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। नहीं समझ रहा, जब भी वो डायमीटर की बात करते हैं तो ये बात हमेशा यूज होती है। भाई थ्योरम तो याद है ना, डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाता है। एंड एडीबी तो यहां देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एसी इज अ डायमीटर, एडीबी। तो मुझे पता नहीं यूज होगा नहीं होगा, बट ये 90 डिग्री है, बात समझ आए। एंड एडीबी, एडीबी ये 35 डिग्री है। ठीक है, अब कुछ चीजें रिफ्रेश कर लेते हैं, यूज होगा नहीं होगा वो पता नहीं, बट रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ये तरह एक एंगल बना यहाँ पर 35 डिग्री, तो यही कॉर्ड यहाँ पर भी सेम एंगल बनाएगी 35 डिग्री। नहीं समझ में आया, याद आया नहीं आया? ये भी जो एंगल है 35 डिग्री होगा। नहीं समझ में आया तो क्लेश वेदना। ठीक है ना, मुझे पता नहीं क्या उसने देखा, बट मैं तो अभी छोटी सी इतनी रिविजन करा रहा हूँ। ये 90 हो गया, 35 हो गया, 90 प्लस 35 125 होता है। ठीक है ना, तो बच्चा कितना, 180 माइनस 125, 55 डिग्री। हाँ मतलब जैसे मर्जी करते रहो यार, तो क्लेश वेदना। अब इसका जो भयंकर क्वेश्चन उन्होंने बनाया, नहीं ये जो क्वेश्चन है ये तो टेंजेंट्स का चैप्टर है, ये सर्कल्स से अगला चैप्टर है, ये वो नहीं है। ये इसका जो पिताजी बनाया है वो बनाया ये। हाँ मतलब देख के उसको साले को डर लग रहा है, पता नहीं इतना बड़ा ट्रायनोसोरस बना दिया उन्होंने। थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ए बी सी डी, कोशिश करते हैं हाथ पैर मारते हैं हो जाए। ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट में कुछ चीजें हमें पता है। उसके चार पैर होते हैं, चार पैर सर्कल को टच करते हैं, ये वाला प्लस ये वाला याद है कितना होता है? कुछ भी बोल दो यार, 180। ये प्लस 90 प्लस 90, नहीं कुछ भी हो सकता है, 120 और 60 भी हो सकता है। 90 प्लस 90 मत बोल, नहीं समझ आ, रिवाइज करना पड़ेगा। कभी भूल जाए तो याद रखना, ये 120 60, ये 180 होगा और ये पेयर 180 होगा, और टोटल में ना के 360 होगा। नहीं समझा, यहाँ तक शांति। एंड पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट ई। ये छोटा एक सर्कल है यहाँ पर, इस पे ये टेंजेंट है। नहीं समझना, ए बी सी डी के चार पैर देख ले, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। चार पैर देख गया इसके। पी क्यू जो है वो टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल है कहाँ? आई थिंक ये बनाया इन्होंने स्मॉलर सर्कल, देख रहा देखा। तो पी क्यू जो है वो टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल एट ई, गिवन ए ई पी जो है, ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री का, और बी ओ सी ये जो एंगल है ये कितना, 110 डिग्री का। नहीं समझ में आया, पर निकालना क्या क्या है, बहुत कुछ निकालना है। ई सी बी, ई सी बी, फिगर ही समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या भूत बनाया।
सेकंड, मैं देख रहा हूँ जितना हो सके उतना कर लें। उसमें देख के बता क्या क्या निकाल लो, मोबाइल में देख के बता। एक तो ECB बता रहे हैं ना, ECB, BEC, DFC, DAB। तो ECB, ECB ये वाला एंगल। BEC, BEC ये वाला एंगल। DFC, डी बीएफसी आई एम सॉरी BFC, बीएफसी बी BFC ये वाला एंगल, और DAB, DAB ये वाला एंगल। भाई समझ आया? तो थोड़ा देखा जाए कैसे करें इसको। देख ये वाला जो एंगल है ना, एंगल बी सी ई, ये होगा 70 डिग्री। एक हमने थ्योरम की थी, अब याद नहीं होगा बट मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देख ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है। अब ध्यान से सुना जो मैं कह रहा हूं, ये एंगल अगर थीटा है, यहां पर ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये थीटा होगा। क्या मतलब हुआ? कॉर्ड और टेंजेंट जो एंगल बनाते हैं वो कॉर्ड सर्कल के दूसरी साइड सर्कमफ्रेंस में जो एंगल बनाती है वो सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल यहां बनेगा वो कॉर्ड और टेंजेंट ने बनाया ना, तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल ये वाला एंगल होगा। नहीं समझ में आया? शांति। तो अब ध्यान से देख, ये एंगल 70 डिग्री का है, ये हाँ ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है। तो कॉर्ड, अब यहां पर ये देख, ये वाला जो सर्कल है यहाँ, ये जो एंगल बना रही है, ये जो एंगल बना रही है, ये जो एंगल बना रही है वो कितना होगा? बी सी ई, और वो भी एंगल कितना होगा? 70 डिग्री। नहीं चमका? समझ आया नहीं? यार पक्का? मैं तुझे एक बार स्लो मोशन में भी करके बता देता हूँ। ये देख, ये सर्कल है, ये ऐसे टेंजेंट है, ये बीई है और ये बीसीई है, ये ऐसे, ये तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। नहीं समझ रहा? अगर ये थीटा है तो ये थीटा है। नहीं समझ रहा? ओके, तो ईसीबी कैलकुलेट हो गया। उसके बाद बोलता है BEC, BEC, समझ आया? तो हाँ ये देख, हाँ अब ये देख ध्यान से देख, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर में 110 डिग्री बना रही है। दिख रहा है? अगर तुझे याद होगा ऐसे करके हमने एक थ्योरम की थी कि ये कॉर्ड है, यहाँ पर एक एंगल बना रही है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो आधा बनेगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, मेरे सर के पीछे ये ले, ये कॉर्ड है, ये यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, और वो जो सर्कमफ्रेंस एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो इससे
थोड़ा नहीं आधा होगा, तो ये 2 थीटा होगा और ये थीटा होगा, ठीक समझ में आया। तो अब ध्यान से देख, तो वहां वो 55 बना रही है, नहीं समझ में आया। तो करेक्ट, तो ये जो बनेगा, ये बनेगा 55 डिग्री, तो ये BEC, सॉरी एक सेकंड, ये समझ आ गया ना, BEC तो समझ आ गया ना। फिर वो बोल रहा है BFC, BFC। अब ये देख, ये साइक्लिक ऑर्डर निकल रहा है, 1 2 3 4, ये अगर 55 डिग्री है तो यहां पर ये जो बनेगा, ये 180 माइनस 55, ये बनेगा 125 डिग्री, नहीं समझ में आया। 125 डिग्री, मैं स्लो मोशन में फिर से करके दिखा देता हूँ। ये देख, ये सर्कल है, इसके चार पैर हैं, 1 2 3 4, देख, BFCE, ये 55 डिग्री है, तो ये एंगल पूछा जा रहा है BFC, ये वाला। तो ये जो BFC है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके चार पैर उसमें हैं, तो 180 माइनस 55, ये 125 डिग्री है, इसलिए ये 125 डिग्री है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ आया तो बोलना भाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 होता है, अगर ये 55 है तो अच्छा हो, तो ये 125 है, डाउट है? 110 ओ को मार्क किया है। 110 ये वाला अच्छा, है, 110 को लेके 55 बनाया और 55 को लेके ये बनाया, नहीं समझ रहा। आदक शांति, फाइनली आता है DAB, DAB। अब सर नहीं, ये देख, ECB हमने निकाला था, BCE, BCE ये वाला जो एंगल हमने निकाला था, ये निकाला था 70। तो इसका भाई जो है यहाँ पर, इसका भाई है ये जो एंगल होगा, ये होगा 110, समझ आया। अब ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, कौन सा है, ये देख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल। तो इसमें अगर ये एंगल 110 डिग्री हो गया तो ये 70 डिग्री हो गया, समझ आया नहीं है? तो अब क्वेश्चन तो अच्छा बनाया, बट इसमें वही है कि एग्जाम में प्रेशर इतना होगा कि आदमी डर जाता है ऐसे क्वेश्चन देख के। बात समझ आ रही, कैसे मैनेज करोगे और वो सब जो भी है वो देखना पड़ेगा, समझ में आया। तो देखने में क्वेश्चन मुश्किल है, बट अगर ध्यान से देखेगा तो इतना मुश्किल भी नहीं है, समझ में आया। बढ़िया,